हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो फ्रॉम बीएसजी पहाड़ी ब्लॉग्स। एंड दोस्तों, आज जो हम जा रहे हैं जिलतोली मंदिर में, वहाँ जो है पूजा जा रही है, तो उसी से रिलेटेड जो है आज वीडियो होगी हमारी। एंड जो है अभी जो है सब घर से रास्ता निकल चुके हैं घर से, तो अभी गाड़ी में बैठ के सब फिर उधर को रवाना होंगे। फिलहाल तो अभी घर से जा रहे हैं उधर को, घर से भी काफ़ी दूर है ना रोड, तो वहाँ जाएंगे फिर देखो क्या होता है। सो गाइस, फाइनली जो है पहुँच चुके हैं रोड में, एंड अभी यहाँ से जो है रास्ता लगेंगे जिलतोली की तरफ को, एंड हमारे पंडित जी, उसके बाद जो है चलेंगे हम जिलतोली मंदिर की तरफ को, एंड वहाँ के सारे सीनरी आपको दिखाएंगे। उसके बाद जो है देख लेना आप, मतलब हमारे यहाँ का मंदिर, काफ़ी लोग जो है जो भी मतलब बंदे यहाँ से होंगे, जो भी भाई लोग यहाँ से होंगे हमारे, उनको सिंपली पता ही होगा कि मतलब जिलतोली मंदिर कहाँ पे है, और बाकी जिसको नहीं पता है तो बाकी उनको सबको दिखाएंगे। एंड गाइस, अभी जो है हम जा रहे थे मंदिर को, अभी रास्ते में रुके हैं, गाड़ी वाड़ी धो रहे हैं, मतलब गाड़ी धो के फिर निकलेंगे यहाँ से जो है मंदिर। सो गाइस, फाइनली जो है पहुंच चुके हैं अभी जिलतोली मंदिर में, एंड यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से है। देखो, मतलब ये काफी प्राचीन मंदिर माना जाता है, मतलब कहा इसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। एंड गाइस, यहाँ पे जो है एक बोर्ड लगा रखा है, उसमें सारा लिखा गया है कि मतलब जो है बलिबू एक महान सिद्ध पुरुष थे, मतलब इस तरह से जिस तरह साई बाबा थे ना श्रेणी में, उनका मंदिर था, तो उस तरह से यहाँ पे जो है बलिबू नाम के मतलब कोई महान पुरुष होंगे, उनका जो है यहाँ पे स्थापित किया गया, मतलब वो यहीं रहते होंगे कुछ। मैं आपको स्क्रीन शॉट दिखा दे रहा हूँ, आप साइड में देख पा रहे होंगे यहाँ पे। गाइस देखो, काफल, ये देखो काफल के दाने, क्या मजा आ रहा है। सो गाइस, फाइनली जो है मंदिर में पहुंच चुके हैं, एंड आप बलिबू मंदिर देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से, बाकी आपको सिर्फ दिखाता हूँ। सो गाइस, ये वो वाला है जहाँ पे मतलब पूजा पाठ करते हैं, ये वाला सीन है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पूजा पाठ होती है, एंड सामने बलिबाबू जी के दर्शन कर पा रहे होंगे, मतलब ये उनका मंदिर है। यहाँ पे जो है मतलब काफ़ी लोग, मतलब दूर दूर के गांव के लोग जो है पाठ पूजा करने आते हैं, इसी तरह से जैसे हम लोग आ रखे हैं यहाँ पाठ पूजा करने, इस तरह से सब आते हैं काल भैरव मंदिर आते बारे में। और बाकी यहाँ पे सब लोग बैठे पड़े हैं, मतलब जो भी पूजा में आ रखे हैं वो सब है, और उस साइड जो है हमारा मतलब खाना बनता है, जो भी मतलब पूजा में चढ़ाते हैं लोग उस टाइप का मतलब खाना बनता है, वो भी आपको दिखाते हैं। एंड गाइस, अभी जा रहे हैं हम वहाँ पे जहाँ पे जो है खाना ना बनता है, वहाँ पे दिखाएंगे आपको मतलब यहाँ खाना कहाँ बनता है। एंड अभी जो है जा रहे हैं, एंड अभी जा रहे हैं वहाँ जहाँ हमारा मतलब खाना बनता है, आज जो है सब यहीं खाएंगे, जितने भी लोग आ रहे हैं सारे इधर को, सब वहीं खाएंगे। ये हमारे नंदन भाई, हेलो हेलो हेलो, एंड प्रसादी वगैरह बनाया अभी, इसके बाद जो है ये देखो बिल्कुल प्रसादी ले लो, आप भी ले लो यार, बस लेते हैं अभी। और बाकी बकरी काट रहे हैं वहाँ पे, आपको नहीं दिखा सकते किसी को चला लग गया तो। एंड गाइस, अभी जा रहे हैं हम वहाँ पे जहाँ पे यहाँ का एक कुंड दिखाएंगे आपको, यहाँ का मतलब एक कुंड है, कुंड मतलब जहाँ से पानी लेके आते हैं इधर को, ठीक है, तो वाला कुंड दिखाएंगे अभी आपको, एंड किस तरह का है, मतलब प्राचीन काल में लोग कैसे पानी भरते थे, वो सब आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग में। इस है यहाँ का कुंड, मतलब जहाँ प्राचीन काल में लोग पानी भरते थे, लाइट वाइट जला के भी दिखाते हैं आप सभी को, ये देखो यहाँ ये पूरा पानी से भरा हुआ है, बाकी देखें पेड़ घर के अंदर, पेड़ आपको दिख रहा होगा, पेड़ ये पूरा पेड़ है, पता पेड़ का तना है, और कुछ इस तरह से यहाँ कुंड है, इसमें पानी है पूरा, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, ये सारा पानी है, देखो ये देखो ये सब पानी है, ये पानी पीने में भी यूज होता है। बाकी गाइस, पानी जो है ना, पानी बहुत ठंडा है, मतलब अगर गर्मी में अगर कोई बंदा पी तो भाई मतलब मज़ा आ जाएगा एक तरह से बोलो तो।
काफ़ी मतलब ठंडा पानी है। और बाकी हमारे ये देखो, जब वो इस घर के अंदर मतलब इस कमरे के अंदर पानी है, तौला नौला जो भी बोलते हैं इसको, नौला सॉरी, एंड जब पानी ज़्यादा भर जाता है इसमें तो यहाँ से पाइप लगा रखा है, पाइप से निकल के नदी में चले जाता है। यहाँ पे जो भी पूजा आती है वो मतलब पानी मतलब हाथ पैर जो भी धोना मतलब पानी लाना होता है यहीं से लाते हैं। देख पा रहे होंगे अब यहाँ पे आप, ये किसने बनवाया है, किसने बनाया, बहुत अच्छा काम किया, मधराजी वित्ते यानी कि किसने दे रखा हुआ है, ब्लॉक प्रमुख ने भरत परसवाण जी ने, ग्राम प्रधान ईश्वर प्रसार जी के द्वारा दिया गया है। देखो क्या कर रहा है, मतलब चांद भी नहीं कर रहा है कुछ, है तो खाने को मतलब खुद ही बैठ गया भाई मंदिर में, खुद ही पुजारी बन गया। एक और आ रखा है इधर, दोनों बन रखे तो बंदर मंदिर के अंदर बैठा है। दो बंदर आ रखे हैं देखो, मतलब पता नहीं खुद को क्या समझ रहे हैं, मतलब ढूंढ ढूंढ के पता नहीं क्या खा रहे हैं, प्रसादी वगैरह जो चढ़ा रखा है खा रहे हैं। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। गाइस जो है अभी खा पी के जा रहे हैं रोड की तरफ को, एंड ये है आगे यहाँ पे रोड, क्योंकि मंदिर उधर को है ना, रोड से काफ़ी उधर को उस दूर उस साइड को पीछे साइड को है, एक रोड ऊपर से भी ऐसे करके वहाँ से गाड़ी आते हैं मंदिर के कुछ पास तक, मतलब मंदिर तक नहीं आती वो रोड, आप इसे रोड समझ रहे होंगे बट ये रोड नहीं है, छोटा मोटा रास्ता है ऐसी, मतलब ऐसी ब्लर आ रहा है, ऐसे नॉर्मल रास्ता है। यहाँ पे देखो रास्ते में सीढ़ियाँ भी, कि मतलब कोई बाइक वाइक गाड़ी वाड़ी इधर को ना जाए, क्योंकि गाड़ी का रास्ता ऊपर से है ना, तो ऊपर से ही आएंगे। सो गाइस जो है फाइनली पहुँच चुके हैं घर, एंड यार अभी ये जो है यहाँ पे लाइट नहीं है, तो ये सौर ऊर्जा लगा पड़ा है यहाँ पे, इसकी उस पर सहारे भी बना रहा हूँ, अभी जो है घर पहुँच रहे हैं। और बाकी यार मज़ा आ गया ब्लॉग में, आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके जरूर से बताना, और नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।